रॉयल क्यू के अंदर सेटिंग अलग अलग टाइप की होती है। जैसे ये क्वाइन है, मैंने ये मैंने खुद से बाइंग किया हुआ है, खुद से ट्रेड लगाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं जाके देखूं तो यहाँ पे जो मैंने सेटिंग लगाई हुई है वो लगाई हुई है मार्जिन कॉल लिमिट 5 टाइम्स। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं जाके चेक करता हूँ तो ये मैंने लगा रखा है 1, 2, 3, 5, 8। ये मेरी अपनी सेटिंग है जो मैंने अपने से, मतलब मैं बार बार चेक करता रहता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल चेक करता रहता हूँ। तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम फंड देखेंगे तो ये मैक्सिमम 30% फंड यूज करता है। आप देख पा रहे हैं मार्केट इतना गिरने के बावजूद आज के टाइम में ये जो फंड यूज हुआ है सेल हो गया। अभी जस्ट आपसे बात करते करते ये ट्रेड मेरा सेल हो गया। देखिए अभी जस्ट सेल हुआ है 300 कुछ। जब मैंने खोला था मैं आपसे बात कर रहा तो ये एट ए टाइम सेल कर रहा था 8:30 पे। अभी 8:31 हुए हैं, यानी बात करते करते आप देख पा रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ, रॉयल की मुझे प्रॉफिट दे रहा है। देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है, इससे बढ़िया चीज कहाँ मिलेगी आप। ये देखिए इसने भी मेरे से आपसे बात करते करते मुझे $1.374 का प्रॉफिट दे दिया। तो अब यहां पे ये आपने एक सेटिंग देखी। अब अगर मैं यहां पे जाऊं ये अल्गो की सेटिंग देखें हम लोग, तो यहां पे आप ट्रेड सेटिंग में जाके देखें तो यहां पे मार्जिन कॉल लिमिट कितनी है भाई साहब, 14 टाइम्स। मतलब बाय डिफॉल्ट 7 होती है, ये 14 टाइम्स डाली हुई है। और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखें तो ये देखिए 0.5 पे 0.25 टाइम्स बाई करेगा, 0.8 पे 0.25 टाइम बाई करेगा। ये देखिए तो सेटिंग, मार्जिन सेटिंग आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं सर फंड नहीं रहेगा, तो सर ऐसा नहीं होता, आपकी सेटिंग है, आप चेंज कर सकते हो, जब चाहे चलते हुए ट्रेड में सेटिंग कर सकते हो। और अगर आप सही सेटिंग लेके चलते हो, थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ती है, लेकिन अगर आप बाई डिफॉल्ट भी जो आपके अपलाइन ने समझाई है वो भी चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रेगुलर बेसिस पे ट्रेड होता रहता है, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट आता रहता है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में कभी भी किसी हालत में लॉस की संभावना नहीं होती। तो काफी कुछ है जानने को समझने को। ये टेक्निकल सेशन में आप चीजें सीख सकते हैं कि रॉयल क्यू कैसे ट्रेड करता है। मैं जनरली अगर बताऊं आपको बाय डिफॉल्ट जो मैं ये ट्रेड सेटिंग लगाया हूँ, उस ट्रेड सेटिंग के आधार पर बताऊं तो ये मैंने सेटिंग लगा रखी है कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो 1.5% ऊपर जाने के बाद ये सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन सेल कब करेगा, जब तक 0.2% डाउन ना जाए। अगर ये ऊपर जा रहा है तो जाने देगा जाने देगा जाने देगा, जब तक ये 0.2% डाउन नहीं जाएगा तब तक ये सेल नहीं करेगा। ये 4% डाउन अप जा करके अगर 0.2% डाउन गया तो ये 3.8% का प्रॉफिट बुक करेगा। अगर ये 1.5% के बाद जाकर के अगर ये 0.2% डाउन गया तो ये मुझे 1.3% का प्रॉफिट देगा। ये तो बात हो गई अप जाने की। लेकिन अगर डाउन जाता है तो क्या होगा, तो उसकी सेटिंग हमने कहा की है मार्जिन कन्फिग्रेशन। हमने क्या रखा है कि अगर मार्केट डाउन जाए, कितना 2% डाउन जाए, तो ये वन टाइम बाई करे, यानी जो पहला ट्रेड हमने लगाया हुआ है। अब ये अगर नीचे जा रहा है तो जाने देगा, इसमें कंडीशन हमने डाली हुई है बाय इन कॉल बैक, जब तक आधा परसेंट अप ना जाए, जब तक आधा परसेंट अप ना जाए। ये मैं दिखला देता हूं आपको, ये देखिए ये हमने लगा रखा ना बाय इन कॉल बैक। कई सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, ये इसीलिए किए हैं कि अगर डाउन जा रहा है तो जाने दो, जितना डाउन जा रहा है जाने दो। जैसे ही ये आधा परसेंट अप जाएगा तो ये क्या करेगा आपका, ये आपका यहाँ पे वन टाइम बाइंग कर लेगा। $25 का ट्रेड था तो $25 दोबारा बाइंग कर लेगा। उसके बाद हमने क्या डाला है, 3.5%। अब यहां से फिर 3.5% डाउन जाएगा अगर, तो ये डबल बाइंग करेगा। लेकिन कब, जब ये आधा परसेंट अप जाएगा। तो ये सारा कंडीशंस जो फुलफिल होती है, इस कंडीशन को अगर कैलकुलेट करोगे ना, यकीन मानिए आपका मार्केट कितना ही डाउन चला जाए, क्योंकि ये बाय इन कॉल बैक जो फीचर है ये आपको बचाता है। क्यों, मार्केट अगर डिप जा रहा, लंबी डंडी गिर गई तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 20% लंबी डंडी गिर गई, जब तक यूं नहीं होगा, यूं 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 तब तक मैक्सिमम फंड नहीं खाएगा। तो 5 टाइम्स इज सफिशिएंट। और कभी कभी अगर 5 टाइम खा ले तो घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि जितना खाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट देगा। ये वो मतलब कहावत है ना सर, वो जितना आप खाओगे उतने तो सुबह मैदान जाओगे ना, तो खाने देना, कोई टेंशन नहीं है। तो रॉयल क्यू के अंदर कभी भी अगर मार्केट डिप में है
तो भी हम मजा लेते हैं, मार्केट अप में है तो भी मजा लेते हैं, यानी रॉयल क्यू में हम जबरदस्त मजा लेते हैं। और सबसे ज्यादा जो मजा